मुरादाबाद के थाना पागबड़ा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो घरों में भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों से सामान चोरी करने की घटनाओं को अंजाम देते हैं। थाना पागबड़ा पुलिस ने चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी किया गया माल भी पुलिस ने बरामद कर लिया। रिजर्व पुलिस लाइन में SPCT अखिलेश भदौरिया ने प्रेस वार्ता कर चोरी करने वाले इस गैंग का खुलासा किया। पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर कला के रहने वाले अनीश ने भीख न मांगने वाले महिला और पुरुष अज्ञात लोगों के द्वारा घर में रखे बैग से कपड़े और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना पागबड़ा पर शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पागबड़ा थाना पुलिस ने अमरोहा जनपद के डिलौली थाना क्षेत्र के रहने वाले विजय, नेहा, सोनम, पूनम और दीपा को गिरफ्तार किया। अनीश के घर हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पागबड़ा थाना पुलिस टीम ने चोरी की और एक लेडीज बैग, 2 जोड़ी पायल, 1 अंगूठी, 1 मोबाइल, 2 आधार कार्ड, 2 जोड़ी कपड़े, 2 बिछुए आदि सामान बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस टीम को बताया कि वो लोग ईंट भट्टों पर काम करते हैं। एक भीख मांगने के बहाने मौके का फायदा उठाकर खाली घरों में घुसकर रुपए, जेवरात, मूल्यवान संपत्ति, आधार कार्ड आदि चोरी करते हैं। वो लोग आधार कार्ड इस उद्देश्य से चोरी करते हैं कि अन्य स्थान पर जाकर अपना नाम पता बदलकर वो ये बता सके। महिलाओं को इसलिए साथ रखते हैं ताकि कोई भी उन पर शक ना करे। थाना पागबड़ा पुलिस ने भीख मांगने के बहाने लोगों के घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले इस गैंग का खुलासा किया और सफलता हासिल की। ये थाना पागबड़ा से संबंधित एक प्रकरण, इसमें कल थाना पागबाड़ा में रतनपुर कला में एक घर में घुस के कुछ लोगों के द्वारा चोरी की घटना की गई थी और इसके संबंध में एक थाना पागबाड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पुलिस ने बहुत ही सक्रियता से काम किया है। इसके लिए एक गैंग है जो ऑपरेट करता है, जैसे कि ये लोग वहाँ आसपास भट्टों पर रहकर काम करते हैं और दिन में इनकी महिलाएँ और इनके बच्चे ये घरों में भीख मांगने के बहाने वहाँ जाते हैं, उनसे भीख लेते हैं और साथ ही साथ वहाँ की रेकी भी करते हैं। और जब मौका मिलता है, इनको किसी कोई घर खाली मिलता है वहाँ, तो ये वो घरों में घुस के जो कीमती वस्तुएं हैं उनकी चोरी कर लेते हैं। इसी तरह एक घटना इनके द्वारा कल रतनपुर कला में की गई थी, जहाँ पर अनीस पुत्र रजा हुसैन रतनपुर कला के हैं, इनके घर में कुछ महिलाएं और पुरुष ने घुस के इनके घर से लेडीज़ बैग और कुछ कीमती आभूषण और मोबाइल, ये सभी सामान यहाँ से चोरी किए थे। पुलिस ने इसमें बहुत तेज़ी से काम किया है और इसमें इसको पूरा गैंग को इन्होंने वर्कआउट किया है, जिसमें 5 लोग, जिसमें 4 महिलाएं हैं, वो तो गिरफ्तार हुई हैं। तो ये पूरे डिडौली थाना क्षेत्र जिला अमरोहा के रहने वाले हैं ये लोग, और इसमें विजय पुत्र शिवचरण हैं, जो कीमती सामान जो सोने और चांदी के आभूषण हैं उनकी चोरी करते हैं, उनको ये लोग बेचते हैं। तो ये लोग एक संगठित तरीके से इस काम को कर रहे थे, जिसमें पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। साथ ही जो बरामद माल है जो चोरी हुआ था, उसमें से 1 लेडीज़ बैग, 2 जोड़ी पायल्स, 1 अंगूठी, 1 मोबाइल, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात है इसमें, इनके द्वारा वहां से आधार कार्ड भी चोरी किए गए हैं। पूछताछ में लोगों ने बताया कि इस आधार कार्ड का ये लोग यूज़ किसी नए स्थान पर जब जाकर रहते थे तो अपनी पहचान उसके रूप में बता के वहाँ पर रुकते थे, जिससे कि पुलिस को और अन्य लोगों को गुमराह किया जा सके और उनकी पहचान, वास्तविक पहचान पुलिस के सामने ना आ सके। और ये इस तरह अपने काम में, अपनी कार्यप्रणाली में असफल होते रहते थे। इस प्रकार ये वर्कआउट हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। इस तरह के गैंग जो यहाँ वहाँ घूम फिर के अपराध करते हैं, और उस पर पुलिस ने मजबूत कार्रवाई की है। सर, ये जो यहाँ पर रह रहे थे, जो आधार कार्ड का पूरा है, तो क्या यहाँ पर भी कोई गलत आधार कार्ड? अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं इस बात को भी, हालांकि ये नज़दीक में ही निरौली छात्र लगता है, हम लोगों ने वहाँ से वेरीफाई किया है तो इनकी सही पहचान हो जाएगी। सर, तो ये बच्चों का कैसे, क्या बच्चों का भी इसमें? जैसा मैंने बताया, ये लोग पूरे परिवार के साथ इसलिए मूव करते हैं जिससे किसी को इन पर शक न हो, इसीलिए इसमें महिलाएं और बच्चे जो घरों में जाके भीख मांगते हैं वो जाते थे, और इसमें महिलाओं बच्चों का ही ये लोग प्रयोग करते थे। और जो व्यक्ति इसमें जो गिरफ्तार हुआ है, वो इस सामान को बेचने में इनका सहयोग करता था। तो ये एक ही घटना करी है या और भी कोई? अभी ये घटना वर्कआउट हुई है और हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं।